शर्मा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इन इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को समझा था उसके टाइमिंग डायग्राम को देखकर। इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जीक्यूशन ऑफ आउट इंस्ट्रक्शन को समझ रहे हैं। आउट इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है, किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ देखिए आउट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है आउट। आउट के बाद हमें लिखना है 8-bit पोर्ट एड्रेस। ये कमांड क्या करता है, जो भी पोर्ट एड्रेस हमने यहाँ लिखा है उस डिवाइस से 8-bit उस डिवाइस को एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू स्टोर है वो उस 8-bit पोर्ट एड्रेस वाली डिवाइस के ऊपर को भेज देता है। आउट इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को जो पोर्ट एड्रेस हमने यहाँ लिखा है उस पोर्ट एड्रेस वाली डिवाइस को ऊपर भेज रहा है। यहाँ एज्यूम कर रहे हैं हम कि हमने ये जो इंस्ट्रक्शन है ये मेमोरी लोकेशन 2050 पे स्टोर किया हुआ है। यहाँ आप देखिए 2050 के अंदर इसका ऑपकोड है और इससे नेक्स्ट वाली मेमोरी लोकेशन में 8-bit पोर्ट एड्रेस है, क्योंकि आउट के बाद हमने लिखा है 01H। तो ये दो 2-byte कमांड हो गया है जो कि यहाँ पे ऑपकोड D3 है और 01 पोर्ट एड्रेस है। इसके एग्जीक्यूशन को समझने के लिए हम इसका टाइमिंग डायग्राम देख रहे हैं। तो जिस प्रकार से इन इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने पहले दो मशीन साइकिल्स के अंदर ऑपकोड को रीड किया था और पोर्ट एड्रेस को फेच किया था, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि फर्स्ट मशीन साइकिल ऑपकोड फेच साइकिल है और सेम उसी तरह से हमने इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को फेच किया है। और ऑपकोड को फेच करने के लिए A15 से A8 और AD7 से AD0 के ऊपर फर्स्ट क्लॉक पल्स के दौरान एड्रेस को प्लेस किया है जो कि है 2050H AD7 AD0 की वैल्यू को हाई कर देते हैं। तो ऑपकोड फेच साइकिल के फर्स्ट क्लॉक पल्स के दौरान हमने मेमोरी एड्रेस को प्लेस किया है एड्रेस बस पे व एड्रेस लैच एनेबल को हाई किया है, इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल को लो कर दिया है। इससे वो मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी जिसका एड्रेस एड्रेस बस पे है 2050H। एक बार मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट हो गई, रीड सिग्नल को हमने T2 और T3 के दौरान लो किया है। जैसे ही रीड सिग्नल लो होगा और इनपुट आउटपुट मेमोरी भी लो है तो नया सिग्नल जनरेट हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं मेमोरी रीड सिग्नल। मेमोरी रीड सिग्नल के लो होते ही मेमोरी से ऑपकोड रीड करके आपके डाटा बस पर आ जाएगा जो कि है D3H। D3 यहाँ से ऑपकोड रीड करने के बाद डाटा बस से जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जाएगा वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडिंग। मशीन एंड साइकिल एनकोडिंग सर्किट इसे डिकोड करने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए दो मशीन साइकिल और चाहिए जो कि हमारे हैं मेमोरी रीड साइकिल और इनपुट आउटपुट राइट साइकिल। ऑपकोड फेच करने के बाद सेकेंड मशीन साइकिल के अंदर हमें 8-bit पोर्ट एड्रेस को रीड करना है। 8-bit पोर्ट एड्रेस के लिए हमने फिर से प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को एड्रेस बस पे प्लेस किया है A15 से A8 के ऊपर 20H। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस AD7 AD0 के ऊपर प्रोग्राम काउंटर लो यानी कि 51H को प्लेस किया है। ये 51H AD7 से AD0 पे आने के कारण एड्रेस लैच एनेबल की वैल्यू को हाई कर दिया है, क्योंकि पोर्ट एड्रेस भी मेमोरी से फेच करना है इसलिए इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल की वैल्यू सेकेंड मशीन साइकिल के अंदर पूरी लो है। एक बार एड्रेस प्लेस कर दिया मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी जो कि है 2051। सेलेक्ट करने के बाद रीड सिग्नल की वैल्यू को सेकेंड और थर्ड क्लॉक पल्स के दौरान लो कर दिया है। इनपुट आउटपुट मेमोरी लो और रीड सिग्नल लो होने के कारण नया सिग्नल जनरेट हो रहा है जो कि है मेमोरी रीड। मेमोरी रीड सिग्नल जैसे ही लो होगा ऑटोमेटिकली इस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू जो कि है 01H हमारी डाटा बस पर आ जाएगी। तो सेकेंड मशीन साइकिल मेमोरी रीड साइकिल में हमने पोर्ट एड्रेस को रीड करके प्रोसेसर के अंदर ले आए हैं। थर्ड मशीन साइकिल के अंदर यहाँ पे इस कमांड का एग्जीक्यूशन होगा
और इस कमांड के एग्जीक्यूशन में हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को आउटपुट डिवाइस पर भेजना है, उस आउटपुट डिवाइस जिसका पोर्ट एड्रेस अभी हमने रीड किया है। तो आउट 01 का मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू को हमें 01 पोर्ट एड्रेस वाले डिवाइस के ऊपर भेजना है। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए थर्ड मशीन साइकिल हम काम में ले रहे हैं, इनपुट आउटपुट राइट साइकिल। इसके फर्स्ट क्लॉक पल्स के दौरान हमने क्या किया है, एड्रेस को हमने एड्रेस बस पे प्लेस किया है। जिस प्रकार सभी इनपुट डिवाइस का एड्रेस 8 बिट का होता है, वैसे ही आउटपुट डिवाइस का एड्रेस भी 8 बिट का ही होता है। इसलिए हायर ऑर्डर एड्रेस बस और लोअर ऑर्डर एड्रेस बस दोनों पर हम सेम एड्रेस प्लेस कर रहे हैं, जो कि है 01H01H। तो यहाँ पे पोर्ट एड्रेस 01H हायर ऑर्डर एड्रेस बस पे भी प्लेस किया है और पोर्ट एड्रेस 01H AD7 व AD0 पर भी प्लेस किया है। AD0 के ऊपर एड्रेस है, इसलिए फर्स्ट क्लॉक पल्स के दौरान एड्रेस लैच एनेबल को हाई कर दिए, जिससे एड्रेस लैच हो जाए। साथ ही यहाँ पे आप इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है, इसलिए इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल की वैल्यू को हमने थर्ड क्लॉक पल्स के दौरान हाई कर दिया है। राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त S1 S0 की वैल्यू 01 हो जाएगी। एक बार हमने पोर्ट एड्रेस बस पे प्लेस कर दिया, जिससे डिवाइस सेलेक्ट हो गई। अब हमें इनपुट आउटपुट राइट साइकिल के सेकंड और थर्ड क्लॉक पल्स के दौरान राइट सिग्नल की वैल्यू को हमने लो कर दिया। जब इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल हाई है और राइट सिग्नल लो है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर एक नया सिग्नल जनरेट हो रहा है, जो कि है इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल। जब इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल लो होगा, तो जो डाटा है एक्यूमुलेटर से, जो डाटा बस के ऊपर प्रेजेंट है, वो हमारे उस आउटपुट डिवाइस 01 के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो थर्ड मशीन साइकिल है, इनपुट आउटपुट राइट साइकिल, इससे क्या हो रहा है, जैसे ही राइट सिग्नल लो होगा, तो डाटा बस के ऊपर जो डाटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर आ रहा है, वो उस आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि आउट को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ 3 मशीन साइकिल्स काम में आ रही हैं, जिसके अंदर पहली मशीन साइकिल है ऑपकोड फेच साइकिल, सेकंड मशीन साइकिल है मेमोरी रीड साइकिल और थर्ड मशीन साइकिल है इनपुट आउटपुट राइट साइकिल। ऑपकोड फेच साइकिल में हमने इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को फेच किया, मेमोरी रीड साइकिल के अंदर हमने इंस्ट्रक्शन के जो आउटपुट डिवाइस का पोर्ट एड्रेस है उसको रीड किया, और थर्ड मशीन साइकिल जो कि है इनपुट आउटपुट राइट साइकिल, उसमें हमने जो आउटपुट डिवाइस हमारे सेलेक्टेड है उसके ऊपर एक्यूमुलेटर की वैल्यू को डिस्प्ले किया है। अब तक हमने टाइमिंग डायग्राम ऑफ आउटपुट फेच साइकिल, टाइमिंग डायग्राम ऑफ इन इंस्ट्रक्शन व टाइमिंग डायग्राम ऑफ आउट इंस्ट्रक्शन देखे हैं। इन वीडियोस के बाद देखने के बाद या ये टाइमिंग डायग्राम समझने के बाद हम बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन टाइमिंग डायग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 43H। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये सेकंड वीडियो के इन इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम हम देख चुके हैं, उसको देख के आप इसको आंसर कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन टाइमिंग डायग्राम ऑफ MVIA 06H, फाइंड द आउट टोटल नंबर ऑफ टी स्टेट्स। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, जो कि 2018 में पूछा गया है। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 2 मशीन साइकिल्स चाहिए, क्योंकि ये टू बाइट कमांड है। यहाँ पे फर्स्ट मशीन साइकिल हमारी ऑपकोड फेच साइकिल होगी
और सेकेंड मशीन साइकिल जैसे कि हमने इन इंस्ट्रक्शन में देखा था जहाँ पोर्ट एड्रेस रीड किया है, यहाँ पे हमें ये इमीडिएट वैल्यू 06H रीड करना है। तो इसे हमें ड्रॉ कर सकते हैं दो मशीन साइकिल्स के द्वारा, जहाँ पे फर्स्ट मशीन साइकिल हमारी आउटपुट फेच साइकिल है और सेकेंड हमारी मेमोरी रीड साइकिल है। और टोटल नंबर ऑफ टी स्टेट्स, क्योंकि आउटपुट फेच साइकिल के अंदर 4 टी स्टेट्स होते हैं और मेमोरी रीड साइकिल के अंदर 3 टी स्टेट्स होते हैं, इसलिए टोटल हमारे नंबर ऑफ टी स्टेट्स हो गए हैं 7। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन टाइमिंग डायग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव ए कॉमा एम। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर भी हमारे टाइमिंग डायग्राम के अंदर दो मशीन साइकिल्स होंगी। फर्स्ट मशीन साइकिल हमेशा की तरह हमारी आउटपुट फेच साइकिल होगी। सेकेंड जो मशीन साइकिल है वो एक मेमोरी रीड साइकिल है, जहाँ पे हमें मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को रीड करके एक्यूमुलेटर में लेकर आना है। यहाँ ये ध्यान में रखना है कि जो मेमोरी रीड साइकिल है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इस कमांड के अंदर एच एल रजिस्टर पेयर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए एच एल एड्रेस बस के ऊपर हमें एच एल रजिस्टर पेयर की वैल्यू को प्लेस करना है। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो टाइमिंग डायग्राम बनेगा, इसके अंदर सिर्फ दो मशीन साइकिल होंगी, पहले वाली आउटपुट फेच साइकिल और सेकेंड मशीन साइकिल होगी मेमोरी रीड साइकिल, और नंबर ऑफ टी स्टेट इसमें भी 7 हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो कि 2016 में आया है और 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द टाइमिंग डायग्राम ऑफ मेमोरी राइट साइकिल एंड आउटपुट फेच साइकिल। यहाँ पे हमें दो अलग टाइमिंग डायग्राम बनाने हैं, एक है मेमोरी राइट साइकिल और दूसरा है आउटपुट फेच साइकिल। अब आउटपुट फेच साइकिल का टाइमिंग डायग्राम हम देख चुके हैं, मेमोरी राइट साइकिल के जो टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है ये भी 3 टी स्टेट का होगा। सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है कि मेमोरी रीड सिग्नल की जगह यहाँ पे हमें मेमोरी राइट सिग्नल जनरेट करना है, जो कि रीड की जगह हमें राइट सिग्नल काम में लेना है। तो सेकंड और थर्ड क्लॉक पल्स के दौरान जब हम रीड सिग्नल लो कर रहे थे, उसी टाइम पर हमें राइट सिग्नल को लो करना है। मेमोरी सिग्नल इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल लो होगा और राइट सिग्नल लो होगा, तो ऑटोमेटिकली मेमोरी राइट सिग्नल जनरेट हो जाएगा सेकेंड और थर्ड क्लॉक पल्स के अंदर। इस प्रकार से आप देखोगे कि हर साल के पेपर के अंदर 6 से 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके टाइमिंग डायग्राम पर आएगा। थैंक यू।